हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं अभी पूजा का मंदिर सजाने जा रही हूँ, क्योंकि है जन्माष्टमी और सुबह की पूजा हो गई है, तो सुबह इतनी जल्दी मंदिर नहीं सज सकता क्योंकि सुबह और भी काम रहते हैं। तो बस हम थोड़ा सा ही इसमें चेंजमेंट करेंगे, तो चलिए चलते हैं, सजाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने थोड़ा सा बदलाव लाके इसको खूबसूरत बनाने की कोशिश की है। तो आप लोग बताना ज़रूर कमेंट करके कि कैसा लग रहा है। और ये जो फ्लावर लगे हुए हैं, ये रियल फ्लावर हैं गुलाब के, जो कि हमारे होम गार्डन में ही छत पे उगाए हैं हमने। और बहुत सारे, दो तीन दिन से तोड़े नहीं थे तो बहुत सारे गुलाब हो गए थे, तो आज के दिन के लिए ही बचा के रखे थे हमने। तो बस थोड़ा सा चेंज किया है इसमें। और ये झूले पे भी हमने ये पेपर लगाया है दूसरा, और कान्हा जी हमारे झूले में बैठे हुए हैं खीरे के अंदर, तो कैसे लग रहे हैं। और ये तो बलून बस दो ही बचे थे, सारे बलून जो मंगाए थे वो पलाते में ही फूट गए। तो बस इतना ही हमने किया है। और मंदिर कैसा लग रहा है तो आप लोग ज़रूर बताना। और इधर हमारी राधा जी तैयार हो रही हैं, तो तैयार होके आ गई हैं हमारी राधा जी, ये देखिए। और ताका राधा जी डांस कर रही हैं और पाटा तैयार करने जा रही हैं जिस पर बैठेंगे भगवान जी। तो ये देखिए, इन्हें फूलों से पाटों को सजा लिया है। और ये राधा जी सो गई क्या? राधा जी, ए राधा जी सो गई क्या? कान्हा जी का इंतजार करते करते राधा सो गई है। चलो शुरू करो, आप पहले शुद्ध जल से स्नान करवाओ, ये वाले जल से। बस अब इनको उससे नहलाओ, दूध से, इसी से नहला लो, इसी से नहला लो। हाँ, धीरे धीरे करके डालो। हाँ, नहाते ना भगवान जी, पूरा डाल दो ऐसे। रगड़ रगड़ के नहलाओ, दही से हाथ धोए थे अपना? ठीक है, चलो दही से नहलाओ, दही डाल दो उनके ऊपर। शहद, शक्कर भी रखी होगी, शक्कर थोड़ी सी लेके उनको ऐसे से रगड़ दो पूरा।
दब जाओ।